अब देखो यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें तीन इक्वेशन दिए हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन टू ओमेगा टी, टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, मान लेते हैं कि इन में जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू है टू पाई बाय टी। ठीक है, अब मैं एक्स टी वी टी और ए टी ग्राफ बना रहा हूँ। देखो तो सबसे पहला काम, सबसे पहले तो हम एक्स टी के ग्राफ बनाते हैं। तो एक्स की वैल्यू कुछ एस एच एम के लिए ए दी हुई है और कुछ के लिए टू ए दी हुई है। ठीक है, तो यहां पर ये टी, अब टी की वैल्यू टी बाय फोर, टू टी बाय फोर, थ्री टी बाय फोर और टी। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कुछ तो ए तक जाएंगे, कुछ टू ए तक जाएंगे। तो मुझे दो लाइन यहाँ पर बनानी पड़ेंगी, एक ए के लिए और एक टू ए के लिए। तो उन लाइंस को मैं बना देता हूँ, तो इस तरह से कुछ वो लाइंस बनेंगी ऐसे। ठीक है, ए टू ए, ठीक है, फिर नीचे भी बनेंगी इस तरह, माइनस ए और माइनस टू ए। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स। अब जो एक्स वन है, ठीक है, जिस कलर से मैंने इक्वेशन लिखी है उसी कलर से बना रहा हूं जिससे हम आसानी से रिलेट कर सकें कौन सा कहां पर है। ए साइन ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी, टी इज इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो रहेगी, टी बाय फोर पर ये कितना हो जाएगा पाई बाय टू ए हो जाएगी, फिर जीरो, फिर माइनस वन और फिर से जीरो, है ना। एक टाइम पीरियड में इसका एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा। तो एक टाइम पीरियड में जब इसका एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा, असल में हम सिर्फ ग्राफ में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इन तीनों के कंपैरिजन में इंटरेस्टेड हैं कि ओमेगा का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ए का इफेक्ट क्या होता है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमने एक ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ किसका बनाया है, एक्स वन का। ठीक है, अभी वेलोसिटी का नहीं बनाया हमने। अब जो सेकेंड ग्राफ है वो है ए साइन टू ओमेगा टी। टू ओमेगा का मतलब इसका टाइम पीरियड ऊपर वाले एक्स वन से हाफ टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी डबल है। मतलब जो काम इसने एक टाइम में की, एक कैपिटल टी टाइम में किया है, वो सेकेंड वाला टी बाय टू में कर लेगा। आया समझ में, तो टी बाय टू में जब कर लेगा तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। देखो और थोड़ा हमें इसमें पार्टीशन करने पड़ेंगे, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं हमको। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ पार्टीशन होगा, यहाँ ऐसा कुछ पार्टीशन होगा, यहाँ ऐसा कुछ पार्टीशन होगा। ठीक है, नहीं भी करें, सीधे भी ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू कहाँ से होगा, t इज इक्वल टू जीरो पर जीरो होगा, t इज इक्वल टू जीरो पर जीरो कहाँ तक जाएगा, a तक जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसा होगा, ये इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। आया समझ में, फिर और एक ऑसिलेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। ये x2 का ग्राफ है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन टाइम पीरियड डिफरेंट है। किसका टाइम पीरियड कम है, येलो वाले का, x2 का टाइम पीरियड कम है और x1 का टाइम पीरियड ज्यादा है। तो x1 की फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो x1 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सॉरी x1 की फ्रीक्वेंसी कम है, x2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। x2 ने दो ऑसिलेशन कर लिए जबकि x1 का एक ऑसिलेशन हुआ है। तो ग्राफ देख करके भी हम फ्रीक्वेंसी कंपेयर कर सकते हैं, टाइम पीरियड कंपेयर कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड कंपेयर कर सकते हैं। अब और एक ग्राफ बनाना है हमको x3। तो x3 का जो ओमेगा है वो तो सेम है, मतलब इसके ऑसिलेशन और इसके ऑसिलेशन सेम होंगे लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, कहाँ तक जाएगा, 2a तक जाएगा। तो 2a तक जाएगा कुछ ऐसा दिखाई देगा,
फिर कुछ ऐसे दिखाई देगा, फिर कुछ ऐसे दिखाई देगा और फिर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये कौन बन गया? ये बन गया हमारा x3, ठीक है। ये x3 का ग्राफ हमने बना दिया। आया समझ में? तीनों के पोजीशन के ग्राफ हमने बना दिए। अब हमें बनाने तीनों के वेलोसिटीज के ग्राफ। तो तीनों के वेलोसिटीज के ग्राफ जब हम बनाएंगे तो देखो v1 कितना हो जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t, ये हो जाएगा। v2 कितना हो जाएगा, v2 की वैल्यू हो जाएगी 2a ओमेगा, a इंटू 2 ओमेगा है ना, cos 2 ओमेगा t। फिर v3 कितना हो जाएगा, v3 हो जाएगा 2a इंटू ओमेगा cos ओमेगा t। अब देखो यहां पर दो पार्ट हैं इस फंक्शन में, हर फंक्शन में दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट ये है। ये डिसाइड कर रहा है कितने ऑसिलेशन होंगे और ये डिसाइड कर रहा है कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी। इन दोनों की एक्सट्रीम वैल्यू सेम है लेकिन इन दोनों के नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेम होंगे इसमें, है ना। ये दोनों एक ऑसिलेशन करेंगे, ये एक ऑसिलेशन करेगा, ये भी एक ऑसिलेशन, लेकिन ये दो ऑसिलेशन कर लेगा। ऐसे समझ में? ठीक है। अब हम इसके लिए भी पहले ग्रिड बनाते हैं, तो ग्रिड बनाएंगे कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा लाइन टेढ़ी होगी, सही कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो अच्छा ग्राफ वो जो फील आनी चाहिए हमको ग्राफ की। देखो ये किसी को ऐसा लगता है कि क्यों इतनी मेहनत करनी ग्राफ बनाने में, नहीं बिल्कुल नहीं। जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि उसको देख करके हमें कुछ कहना ना पड़े, सब कुछ अपने आप फील हो जाए, जो भी उसको देखे जो भी उसको पढ़े अपने आप उसको फील हो जाए, हमें कुछ कहना ना पड़े, ठीक है। ये हमने टाइम एक्सिस बना दिया, ठीक है। तो हो सकता है अभी भी थोड़ा टेढ़ा हो, है ना, मैं क्योंकि बिगर स्केल के बना रहा हूँ। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ठीक है। ऐसे नीचे भी दो लाइन बनेंगे। जो ब्लॉक इक्वल इंटरवल पे बने हैं तो वो इक्वल भी दिखने चाहिए, जैसे है ना, अगर हम देखेंगे तो ये सारे इंटरवल इक्वल हम बनाना चाह रहे हैं तो वो टेंटेटिव दिखने में भी इक्वल होने चाहिए, तभी हमें फील आएगी कि हर इंटरवल जो है वो T/4 का है। अब ये वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है, वही T/4, 2T/4, 3T/4। सबसे पहले मैं किसका बनाना चाहता हूँ, ए ओमेगा का। यहाँ पर लिखें ए ओमेगा 2A ओमेगा 0 - A ओमेगा - 2A ओमेगा, ठीक है। अब V1 कितना है, A ओमेगा तक जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में ऑसिलेट करेगा। कितना ऑसिलेशन होगा, क्योंकि उसकी ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, T उसका टाइम पीरियड है, सिर्फ एक ऑसिलेशन होगा। कॉस फंक्शन है, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 से स्टार्ट होगा और कॉस फंक्शन को फॉलो करते हुए ठीक है ना। आप देखो मैं एक एक पॉइंट पर वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, जो कॉस से स्टार्ट होगा तो कॉस जैसा दिखेगा और जो साइन से स्टार्ट होगा तो साइन जैसा दिखेगा। ये हमने ग्राफ बना दिया V1। अब जो सेकंड ग्राफ है, सेकंड ग्राफ कैसा है, सेकंड ग्राफ है V2। V2 कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा और 2 ओमेगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी कैसे होंगे, 2 ऑसिलेशन होंगे, तो 2 ऑसिलेशन होंगे। तो फिर से हम चाहें तो इसका और पार्टीशन कर दें, कर ही देते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, नहीं तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा। तो हमने ये दो दो पार्टीशन कर दिए सबके, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 ओमेगा से स्टार्ट करना है। 2 ओमेगा से स्टार्ट करके इसका 2 ऑसिलेशन कराने, मतलब जो काम इसमें यहाँ हुआ है वो इसमें यहाँ हो जाएगा, आधे टाइम में हो जाएगा। तो आधे टाइम में हो जाएगा तो आधे टाइम में कर दो, ऐसा, ठीक है। फिर
ऐसा, फिर ऐसा, और फिर इधर ऐसा, ठीक है। ये हो गया हमारा V2। आए समझ में? अब हमें V3 और बनाना है। V3 कहां तक जाएगा? जाएगा तो 2A ओमेगा तक, लेकिन ऑसिलेशन एक करेगा। तो ऑसिलेशन एक करेगा, तो ऑसिलेशन तो इसका यहां पे जाके कंप्लीट होगा, है ना, लेकिन स्टार्ट यहां से होगा। तो स्टार्ट यहां से होके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो जो रेड वाला है, जो रेड वाला है, उसके लिए वैल्यू 2a ओमेगा माइनस 2a ओमेगा के बीच में ऑसिलेट कर रही है, और उसने एक ऑसिलेशन यहां पर कंप्लीट किया है। आया समझ में? तो इस तरह के इसके ग्राफ बनेंगे। थोड़ा बड़ा सा बनाएं, और कोई चाहे तो इनको अलग अलग भी बना सकता है, लेकिन अलग अलग में उतने अच्छे से फील नहीं आएगी जितने अच्छे से हमें इसमें आएगी, है ना। वो चाहे तो ये पार्टीशन ना बनाए, ठीक है, और चाहे तो बना लें, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से ये ग्राफ बनेंगे और इस तरह के दिखाई देंगे। आज समझ में? अच्छा, कई बार क्या होता है, ग्राफ दे करके हमें पूछ लिया जाता है किसका ओमेगा, ओमेगा का रेशो क्या है, ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू, ए वन अपॉन ए टू का रेशो पूछ लिया जाता है। तो वो सब का इस तरह से हम चाहें यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ये दिया हो यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। नोट कर लो इसको, आगे बढ़ेंगे फिर। अब देखो, अब हमको एक इक्वेशन दी है जो SHM की है, x इज इक्वल टू टू प्लस वन साइन ओमेगा टी, है ना। ओमेगा कितना है? 2π/4, मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया? 4 सेकेंड। अच्छा, इसमें ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हो गया मीन पोजिशन, है ना, और ये हो गया एम्पलीट्यूड, t इज इक्वल टू 4 हो गया। इसके हमें पांचों ग्राफ बनाने हैं, x, t, v, t, a, t, a, x और v, x। तो मैंने कुछ लाइंस पहले से बना रखी है ना, जिससे टाइम बचे हमारा। तो अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, तो x, t बनाना है। अब देखो, x की वैल्यू अगर हम देखें, तो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे पिछले लेक्चर में, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने एक्सट्रीम पोजिशन और मीन पोजिशन ये सब मालूम की थी। तो इसकी जो एक्सट्रीम पोजिशन होंगी वो होंगी 2+1, 2-1, 2+1 मतलब 3, 2-1 मतलब 1, तो 1 से लेके 3 के बीच में ये ऑसिलेट करेगा। 2 इसकी मेन पोजीशन है, तो 1, 2 और 3 दिखना चाहिए, नेगेटिव में कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में नेगेटिव में जाएगा, लेकिन वैसे कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने ये बना दिया टी, फिर उसके बाद मुझे चाहिए एक्स इज इक्वल टू 1, फिर मुझे चाहिए x इज इक्वल टू 2, फिर मुझे चाहिए x इज इक्वल टू 3, x t बाय 4 मतलब 1 सेकेंड, 1, 2, 3 और ये 4, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। अब x का जो ग्राफ है 2 मतलब ये t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, साइन पाई बाय 2, तो साइन 90 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 2 3, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब देखो, 2 के अबाउट ऑसिलेट कराना है हमको 1 एम्पलीट्यूड से, तो 2 के अबाउट एम्पलीट्यूड 1 एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कराएं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इस तरह का, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, जैसा पहले इसके अबाउट हो रहा था वैसा अब इसके अबाउट हो रहा है, ये एक्स टी ग्राफ हमारा बन गया। अब एक्स टी के बाद में बनाने चाहता हूँ वी टी ग्राफ, है ना, मेरे पास ज़्यादा स्पेस बची नहीं सॉल्व करने के लिए, मैं यहाँ पर कहीं सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा वी इज इक्वल टू इसका डेरीवेटिव, 2 का डेरीवेटिव 0 प्लस 1
2 pi by 4 cos 2 pi by 4 into t. ठीक है ना, तो वेलोसिटी का फंक्शन तो अगर देखा जाए तो वैसा ही आ गया a ओमेगा cos ओमेगा t. तो a ओमेगा cos ओमेगा t जैसा इसका फंक्शन आया है तो बिल्कुल वैसा ही ग्राफ इसका बनने वाला है जैसा पहले बना था, उसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा t और ये हो गया हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी, मैक्सिमम नेगेटिव वेलोसिटी और ये वेलोसिटी. ठीक है, प्लस पाई बाय टू या प्लस ए ओमेगा, जीरो माइनस ए ओमेगा. फंक्शन कैसा है, कॉस. कॉस फंक्शन कैसा होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लस वन से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव मैक्सिमम से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इसको. वहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, ये वेलोसिटी का ग्राफ हो गया. वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन का ग्राफ बना है, तो एक्सेलरेशन का भी बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा पहले आया था, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है. क्यों नहीं होने वाला है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव चाहिए हमको. देखो क्यों चेंज नहीं हुआ, इसका डेरिवेटिव लो या इसका डेरिवेटिव लो, सेम ही आएगा है ना. इसका स्लोप और इसका स्लोप एक जैसा होता है, इसलिए वेलोसिटी का ग्राफ चेंज नहीं हुआ. अब जो वेलोसिटी का चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी के स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलना होता है, तो एक्सेलरेशन का भी चेंज नहीं होगा. ए ओमेगा स्क्वायर जीरो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बन जाएगा, वो ग्राफ नेगेटिव साइन में बनेगा है ना. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस का डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन आएगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा. ठीक है, ये ग्राफ बन गए. अब हमें और दो ग्राफ बनाने, कौन कौन से बनाने हैं, ए एक्स और वी एक्स. तो ए एक्स के लिए क्या किया हमने, ये एक्स जीरो वन, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, वन टू और थ्री. ठीक है, ऐसा ये एक्सेलरेशन जीरो, ए ओमेगा स्क्वायर और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, अब मेन पोजीशन यहां पर है, यहां पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो. फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम थ्री पर है, यहां नेगेटिव होगा. नेगेटिव एक्सट्रीम वन पर है, यहां पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा. इसका जो ग्राफ बनेगा ए एक्स ग्राफ, वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ए एक्स ग्राफ है. अब मुझे क्या बनाना है, वी एक्स ग्राफ बनाना है. तो वी एक्स ग्राफ के लिए फिर से मुझे ऐसे ग्रिड बनानी पड़ेगी, बना देता हूं. एक्स ये ए, सॉरी हाँ स्क्वायर आएगा, ये आएगा प्लस ए ओमेगा जीरो माइनस ए ओमेगा. अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इलिप्स बनेगा, इसके अबाउट इलिप्स बनेगा, यहाँ तक जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा. वैल्यूज से भी देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास है ना, इसके वैल्यूज से भी देख सकते हैं. देखो मैं ए और एक तरीका बता रहा हूँ, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर इनकी इक्वेशन भी हम डिराइव करेंगे. जैसे इलिप्स बन जाएगा, अब मैं इक्वेशन जैसे डिराइव करना चाहूँ, एक तो हमारे पास क्या स्पेस कम पड़ जाती है. तो अब मेरे पास जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा इक्वेशन डिराइव करके बताता हूँ. जैसे मेरे पास है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी. मैंने शायद पहले भी पिछले जो लेक्चर हमने पढ़े हैं उनमें मैंने इक्वेशन डिराइव करके शायद बताई थी कि ऐसा SHM जिसकी मेन पोजीशन ओरिजिन ना हो उसके क्या क्या रिलेशन आएंगे. तो ये हमारे पास x है, ठीक है ना. और v मेरे पास कितना है, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. अब साइन को मैं क्या लिखूंगा, x माइनस एक्स नॉट अपॉन
a square plus cos को क्या लिखूंगा v upon a omega square is equal to 1. ये equation आ गई. तो जो काम x is equal to 0 पर हो रहा था वो अब कहाँ हो गया, x naught पर. ये हमारा x naught है, आगे शिफ्ट हो गया. ठीक है, फिर ये तो x और v का रिलेशन आया, a और x का क्या आएगा, a क्या होगा, a is equal to minus a omega square sin omega t. अब sin a sin omega t कितना है, x minus x naught, तो a is equal to minus omega square x minus x naught किया जाए. ठीक है, तो जैसे भी हमें समझ आए उस तरह से, मैथमेटिकली समझ आए तो मैथमेटिकली इक्वेशन लिख लो, फिर ड्रॉ कर दो, और सीधे हमें वैल्यूज से ही दिख जाए तो वैल्यूज से. मैंने तो क्या लॉजिक बताया, मेन पोजीशन है x इज इक्वल टू 2 पर, एक्सट्रीम 3 पर और ये 1 पर. तो जो काम यहाँ पर हो रहा था वो काम बस अब यहाँ होगा. पहले ये एलिप्स यहाँ बन रहा था तो आगे शिफ्ट हो गया, उसका जो सेंटर था वो 0 पर था, सेंटर अब कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ मेन पोजीशन होगी. इसका सेंटर पहले 0 पर था, कहाँ शिफ्ट हो गया, जहाँ मेन पोजीशन है ना, ऐसे आगे शिफ्ट हो गया. आज समझ में, नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे.